हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस बॉक्स। सो कैसे हो गाइस? आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज एक अपडेट है गेट 2024 से रिलेटेड, उसी पे ये वीडियो है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो गेट का एडमिट कार्ड है। तो अगर आप सभी ने अगर पहले से भी अगर आपने देखा होगा कि जो इनके इंपॉर्टेंट डेट्स वाली लिस्ट है, उसमें अगर आपने देखा होगा जो गेट का एडमिट कार्ड है वो रिलीज होना था 3rd of January को, यानी कि 3rd जनवरी को आपका गेट का एडमिट कार्ड रिलीज होना था। तो कल यानी कि वेंसडे को, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लो कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ गेट एडमिट कार्ड है ये कब था। ये 3rd of January को रिलीज होना था, यानी कि वेंसडे, यानी कि कल रिलीज होना था। तो वो किसी रीजन से कल रिलीज नहीं हो पाया था। तो आज यानी कि 4th of January को गेट की एडमिट कार्ड क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो गेट का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप लॉग इन वाले पेज पे चले जाओ। एक बार आप जब बेस अपने जो गेट का वेबसाइट है अगर उसमें आप अपना क्रेडेंशियल फिल करके आप लॉग इन कर लोगे, तो आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वहां से अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये होगा कि आप एक बार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, आप एक बार अपना एग्जाम सिटी देख लो, आपका एग्जाम सेंटर का ये सारी चीज़ आप देख के क्लियर हो जाओ कि आपका एग्जाम सेंटर क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब देखो आपके पास एग्जैक्टली 1 मंथ बचे हुए हैं, आज यानी कि 4th of January है। तो अगर देखा जाए तो जो गेट का एग्जाम होने वाला है, जो पहला शिफ्ट होने वाला है, पहला फर्स्ट डे है एग्जाम का, वो 4th of February है। तो अब आपके पास जो एग्जाम है, अब आपके एग्जाम में एग्जैक्टली 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जरूरत है आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करनी पड़ेगी, और भी एक्सेलरेशन की जरूरत है। अब आप और भी तेजी से अब अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो जो मेरा रिकमेंडेशन होगा अभी के टाइम पे कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि अभी आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ रखा है अभी तक, आपने जितने भी इस लास्ट 1 ईयर और बहुत लोग 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट 1-2 ईयर में आपने जितना भी पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करने की जरूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि गेट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको स्पीड, एक्यूरेसी, इन सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो अब जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो अब आपको इस लास्ट 1 मंथ में आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप चेक कर लो कि आप क्या कर सकते हो। अगर अभी तक आपने जो प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो आप एक बार उस पर चले जाओ, आप देख लो। अभी 2024 का जो न्यू ईयर डिस्काउंट भी चला, 24% डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। बाकी आप देखोगे जो गेट की टेस्ट सीरीज, आप वहाँ पे चले जाओ, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट है, सब्जेक्ट फुल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से भी अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा इन्हांस करो। ये जो टेस्ट सीरीज है, आपका जो करेंट पैटर्न है गेट का, उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप यहाँ से, आप मुझे लगता है कि अगर आप एक बार आप सारे टेस्ट आप दे लेते हो, सारे फुल लेंथ टेस्ट अगर आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है गेट एग्जाम में बढ़ने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसके इस टेस्ट को परचेज नहीं किया, तो जल्दी जल्दी परचेज कर लें और अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा इन्हांस करें। सो थैंक यू एवरीवन।